चुनाव नजदीक देख विपक्ष के साथ ही सत्ता पक्ष के नेता भी भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाने लगे हैं। इसी बीच सरकार ने भ्रष्टाचार के मामलों में सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। वर्षों से लंबित अभियोजन स्वीकृति के मामलों में अब हरी झंडी मिलने लगी है। हाल ही अलवर के पूर्व कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया और सेटलमेंट अधिकारी अशोक सांखला के खिलाफ अभियोजन की इजाजत दी गई है। नन्नूमल के मामले में राज्य सरकार से आईपीसी की धाराओं में इजाजत मिली है, जबकि पीसी एक्ट के लिए मामला केंद्र सरकार को भेजा है। अलवर मामले में अभियोजन का निर्णय 23 जून 2022 से लंबित था। एसीबी ने अप्रैल 2022 में नन्नूमल पहाड़िया और अशोक सांखला को 5 लाख की घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। कार्मिक विभाग ने 5 माह में 41 मामलों का निस्तारण किया है। इनमें अधिकतर मामलों में अभियोजन की इजाजत दी गई है। जोधपुर यूआईटी के तत्कालीन उप सचिव हरि सिंह के खिलाफ वर्ष 2015 के एक मामले में अभियोजन से सरकार ने इनकार किया है। इस मामले में अन्य आरोपी दिनेश पवार के खिलाफ खुद एसीबी ने ही आरोप साबित नहीं माने थे। हनुमानगढ़ के तत्कालीन अतिरिक्त जिला कलेक्टर कजोड़मल के खिलाफ वर्ष 2015 में आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज था। भ्रष्टाचार के मामले में उनका नाम आने पर एसीबी ने घर पर तलाशी ली तो लाखों रुपए मिले। डीओपी ने एसीबी की रिपोर्ट को सही मानते हुए अभियोजन की इजाजत दे दी। इन प्रमुख मामलों में मिली इजाजत: अरुण प्रकाश आरएएस, कजोड़मल दंडिया आरएएस, जगदीश वर्मा अभियंता, अशोक साखला आरएएस, मासिंगा राम जांगिड़ आरएएस, रतन बिश्नोई आरएएस, राम सिंह एक्सीएन खेत्री पीएचईडी, मोहनलाल एडिशनल डायरेक्टर जोधपुर माइंस। बीकानेर की वर्ष 2015 के चर्चित जमीन घोटाले में सीनियर आरएएस अरुण प्रकाश शर्मा और सहायक विधि परामर्शी अमरुल हसन गौरी के खिलाफ अभियोजन की इजाजत दी है। इसी मामले में आरएएस दुर्गेश बिस्सा के खिलाफ 16 CCA के तहत कार्रवाई प्रस्तावित की है। ये मामला वर्ष 2018 से कार्मिक विभाग में लंबित था। करीब 671 एकड़ जमीन को सीलिंग से बचाने के लिए तत्कालीन उप पंजीयन अधिकारी से मिलकर 7 पक्षों में रजिस्ट्री करवाई गई। मुंबई के NSEL घोटाले में मुंबई की इकोनॉमी ऑफेंस विंग ने जमीन को अटैच कर लिया। आरोप है कि रिसोर्ट के नाम जमीन का 90A का प्रस्ताव अधिकारियों ने स्वीकार कर लिया। NHA प्रकरण में दौसा के तत्कालीन SP मनीष अग्रवाल के खिलाफ सरकार ने IPC की धाराओं में अभियोजन की इजाजत दे दी है। PC एक्ट को लेकर मामला केंद्र के पास लंबित है। इसी मामले में राज्य सरकार ने SDM पिंकी मीणा और पुष्कर मित्तल के मामले में अभी कोई निर्णय नहीं किया है। सरकार स्तर पर अभियोजन के 59 मामले लंबित हैं। इसी तरह विभाग स्तर पर 559 मामले विचाराधीन हैं। पत्रिका टीवी के लिए जयपुर से ओम प्रकाश शर्मा की रिपोर्ट।